देखते हैं खबरें विस्तार से। आगामी दिनों में नवरात्रि का महापर्व है, जिसको लेकर अभी प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन से संबंधित किसी भी तरह के कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में कई गरबा आयोजकों द्वारा गरबे की प्रैक्टिस शुरू करा दी गई है, जिसको लेकर प्रशासन का सख्त रवैया दिखाई दिया है। अपर कलेक्टर पवन जैन ने बताया कि अभी किसी भी तरह की गाइडलाइन प्रशासन द्वारा जारी नहीं की गई है। आगामी दिनों में प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन के तहत जो भी आदेश होगा वह मान्य होगा, और ऐसे में जहां अभी अभी गरबा पंडाल लगेंगे वहां पर केवल मूर्ति स्थापना के साथ पूजन की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि अभी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ गरबा आयोजक समिति द्वारा गरबा की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिसके लिए संबंधित थाना प्रभारी को सूचित कर दिया गया है, उन पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। नवरात्रि का त्यौहार है, उसको लेकर प्रशासन द्वारा किस तरह की गाइडलाइन तैयार की गई है, किस तरह के आदेश जारी किए गए हैं? देखिए, ऐसा अभी जो है ना, कोविड के चलते गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन जारी होने के बाद ही आगामी जो भी दिशा निर्देश होंगे जारी किए जाएंगे। और अभी जो स्थितियाँ हैं वो ये है कि जो पूजा के लिए दुर्गा पांडाल में केवल एक सर्टेन मात्रा का जो था वो आप पंडाल बना सकेंगे, प्लस उसमें दुर्गा माता जी की स्थापना करते हुए पूजा अर्चना 50 लोगों के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए की जा सकेगी। गरबे की जहां तक बात है तो गरबे अभी प्रतिबंधित हैं, गरबे के बारे में कोई भी दिशा निर्देश गवर्नमेंट से नहीं आए हैं, और ऐसी स्थिति में कोई भी जो गरबा के आयोजक हैं उनको ये समझाइश भी दी गई है, उनको अवगत भी कराया गया कि जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं आती है जब तक गरबे नहीं होंगे। सर, कई जगह प्रैक्टिस चल रही है गरबों को लेकर, कई जगह इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। संबंधित थाना प्रभारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जहां भी बगैर अनुमति के, क्योंकि अनुमति तो है ही नहीं है, नियम विरुद्ध ही है वो, तो अगर गरबे इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको रोका जाए। इस तरह की कार्रवाई, कार्रवाई का प्रावधान स्पष्ट है कि यदि कोई करेगा नियम विरुद्ध तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, प्रकरण दर्ज किए जाएंगे।